अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस टॉपिक्स में हम देखेंगे कि क्लाइंट्स का जौन सा है वो हम मंथली बिल जौन सा है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जौन सा है वो उनकी तमाम क्लाइंट्स की एक मंथली लिस्ट प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर हम मंथ टाइप कर देते हैं कि हमने जनवरी का जौन सा है वो बिल टाइप करना है और हमारे पास वो कौन सा साल है, तो हमने वहाँ पर वो टाइप करने के बाद एंटर किया तो ये हमारे पास उसकी लिस्ट आ रही है जो कि एक ऑफिस के लिए है कि हमने किस क्लाइंट से कितनी पेमेंट ली है और हमारे पास उसके महीने की टोटल अमाउंट्स कितनी जो उनसी है वो रिसीव हुई है। और इसी तरीके से अगर हमने उनकी स्लिप्स प्रिंट करनी है तो यहाँ पर आकर जो सा है वो हम मंथ टाइप करने के बाद हम साल टाइप करते हैं तो ये हमारे पास उस के हवाले से एक मुकम्मल प्रिंट जौन सा है वो स्लिप आ रही है। ये गुज़श्ता वीडियो जिसके अंदर हमने बिल क्रिएट करना बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक करके आप वो बिल का एक व्यू देख सकते हैं। उस बिल का जो प्रिंट लेने के लिए है वही फील्ड जो हमने वहाँ पे ऐड की हुई थी वो फील्ड्स हमने यहाँ पर सेट की हैं। इस बिल के हमने दो पोर्शंस बनाए हैं जिसमें से ये वाला पोर्शन जहाँ पर स्लिप्स पे नाम लिखा हुआ है ये पोर्शन उस पर्सन के लिए उस क्लाइंट के लिए है जिन्हें हमने बिल देना है और ये वाला जो शुरू का पोर्शन है ये हमने अपने रिकॉर्ड्स के लिए मेंशन करना है। जहाँ पर हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनकी अमाउंट 600 बन रही है, अब वो जितनी हमें पे करेंगे उस सूरत पर हम उनका यहाँ पर अमाउंट्स मेंशन कर देंगे और ये डेटाबेस में ऐड करके अगले महीने का रिकॉर्ड्स अपडेट कर दिया जाएगा। जबकि यहाँ पर उनके पास ये सारी डिटेल शो हो रही है कि वो हमारे पास उसे कैसे वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये एक स्लिप क्रिएट की गई है। इस स्लिप्स को बनाने के लिए जो उनसा है वो सिंपल हमने उन क्यूरीज को आपस में मर्ज करके जो उनसा है वो दिखाया और लास्ट टाइम जो हमने बिल बनाया था उसी बिल्स की फील्ड्स को हमने जो उनसा है वो उसी तौर पे देखा है। हम ज़रा इसके डिज़ाइन व्यू में आते हैं और डिज़ाइन व्यू में आकर हम इस रिपोर्ट्स को देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सी ये प्रिंट मंथली स्लिप है, ये हमारे पास उसका डिज़ाइन व्यू है जी। यहाँ पर अगर हम उसकी क्यूरी आपके साथ शेयर करते हैं तो इस क्यूरी के अंदर हमारे पास जौन सा है वो क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन है और हमारे पास मंथली पेमेंट्स की जो डिटेल्स है कि क्या क्या कनेक्शंस का टाइप है और जो पेमेंट का मेथड है, उन तीनों टेबल्स को इकट्ठा करके हमने उस फील्ड्स को वहाँ पर दिखाया है और उसको हम जौन सा है वो एक स्लिप की सूरत में वहाँ पर दिखा रहे हैं कि वो हमारे पास क्या है। सिंपल उसे डिज़ाइंस किया हुआ है और इससे हम जौन सा है वो उनकी एक मंथली प्रिंट जौन सी है वो वहाँ पर प्रिंट ले सकते हैं। बाकी सिंपल से इसके अंदर ये ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से हम उनके आईपी एड्रेस को ऐड करते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि ये जो पोर्शंस है ये हमारे पास किस तरीके से काम कर रहा है और इसमें हमने किन किन चीज़ों को वहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो आज आपके साथ उसके बिल के सिर्फ प्रिंट का था जो रिपोर्ट्स में है। ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का आइडिया देना है। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर सीख नहीं सकते। सीखने के लिए इससे पहले इसी चैनल्स पर मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड की हुई हैं जिनसे आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाता है, लेकिन आप उससे क्या क्या प्लान तरतीब दे सकते हैं उन प्लान्स को आपके साथ शेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि हम अपने इस काम को अगर करना चाहें तो हम उनको कैसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। वो तरतीब यहाँ पर आपके साथ शेयर की गई है।